जहां पूरा देश महिला सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर चुका है, वहीं दिल्ली पुलिस अभी भी कोई बड़ा हादसा होने के इंतजार में है। दरअसल ताजा मामला है दिल्ली के किराड़ी का, जहां से छठी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा अंकिता 29 नवंबर को स्कूल तो गई थी, लेकिन स्कूल पहुंची ही नहीं। चार दिनों से लापता अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंडका थाने में लिख तो गई है, लेकिन पुलिस अभी भी खाली हाथ है। और मेरी बच्ची 29 तारीख को सुबह स्कूल के लिए गई है, उसके बाद वापस नहीं आई है। और हमने पुलिस के लिए शाम को प्रेमनगर थाने में गए हैं कराने के लिए रिपोर्ट। वहाँ पे ये हुआ कि कहाँ से गायब हुई है, कहाँ छोड़ा है, ये सब पूछने लगे हैं। पूछने के बाद ये हुआ कि हम स्कूल के लिए छोड़े हैं, फाटक पर ले जाके छोड़ दें, तो हुआ कि मैटर है मुंडका थाने का। वो स्कूल गए तो मुंडका थाने का, तो हमें लेके गए हैं मुंडका थाने। वहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, आप सुबह आइए, फोटो लेके आइएगा सुबह, और तब जाके एफ आई आर लिखी जाएगी आपकी। सुबह गए हैं, सुबह करते 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 शाम को फिर हमारा चार्जशीट बना, एफ आई आर बना है। और उसके बाद 9:30 बजे जाके हमारे एसओ से बात हुई है, और उसके बाद जब एसओ बोला कि इनका जो भी है जाके मंडे को इनका कार्रवाई किया जाए और स्कूल में जाके पूछा जाए। और उसके बाद स्कूल तो आ जाए हैं पूछने के लिए 9 बजे। उसके बाद मैं बोला था कि आप सीसीटीवी कैमरे चेक करिए, मित्तल जी का है बगल में स्कूल है एसबीटी वहाँ पे, तो अभी तक बोले कि अभी आऊँगा, अभी तक नहीं आए हैं। फ़ोन मैं दोबारा किया हूँ फ़ोन करने के लिए, बोले ठीक है भाई हमारे पास और भी केस हैं, एक ही केस थोड़ी ना है ये, आप समझ सकते हो। मैं भी बोला हूँ कि साहब कि आपके पास और पुलिस नहीं वाले थाने में है, तो बोलते नहीं है क्यों नहीं, पर हमारे को जहाँ एरिया मिलेगा हम वही करेंगे। मैं कहा ठीक है साहब, जो हमें करना है अब हम करेंगे आपको, ये मैं आपको बात किया हूँ। और अभी तक हमारी बच्ची मिली नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है साहब। ये हो गया साहब 4 दिन, शुक्रवार का मामला है और आज हो गया मंडे आपका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और हम परेशान हैं, हम अपने बच्चों को अपने यार दोस्तों को ले लेकर सभी गली गली सब एरिया में ढूंढ रहे हैं, पर हमारी बच्ची स्कूल गई है पर आधार कार्ड लेके भी गई है। जहाँ तक ये हुआ कि जब हम ढूंढे हैं घर के अंदर, तो हमारे को मिला कि आधार कार्ड भी नहीं है, उसका एसेट कपड़ा भी नहीं है, वो किसी के साथ में शायद है, हमें ये लोकेशन चल रहा है पता, और हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं। अब पुलिस हमारी कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। वो 6वीं क्लास में पढ़ती है, सुबह स्कूल के निकली और 7:10 पे घर से निकली। वो सर हमने इंतज़ार किया जो वो आएगी 1 बजे, 1 बजे तक इंतज़ार किए नहीं आई हो सर। फिर हम जाके वहाँ पे ढूंढे, मेरे का फ्रेंड के घर हो गए, वहाँ पे भी नहीं मिली। जब पता करे तो कहीं आई नहीं। फिर उसका हम पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे प्रेमनगर, तो वहाँ पे वो बोले जो वहाँ का मैटर है, यहाँ का नहीं मैटर है। फिर हम 9 बजे रात को आए यहाँ पे मुंडिका वाले, हम मुंडिका वाले उसमें वहाँ पे 12 बजे रात को सर, वहाँ से भी बोले जी यहाँ कल आना है आप, आपका नहीं इतनी टाइम होगा। फिर हम 3:30 बजे वहाँ से आए घर, फिर सुबह गए 12 बजे, वहाँ पे करते करते ये लोग 5:30 बजे हमारा रिपोर्ट लिखे। उसके बाद रिपोर्ट लिखने के बाद फिर हम आए घर, तो घर के बाद फिर बुलाए जी आ जाओ, तो एसओ से बात हुई तो बोले जी कोई बात नहीं आपकी बच्ची मिल जाएगी। हमारी बच्ची अभी तक नहीं मिली। हम लोग आप लोगों से मदद मांगती, हम चाहते हमारी बच्ची जहाँ भी हो हमें मिल जाए, और हम बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हमारी बच्ची ऐसी नहीं थी जो वो कहीं आना जाना कुछ भी नहीं था, बस हम लोग आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट, हमारी बच्चे जहाँ भी हम मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्लास 6 में पढ़ने वाली अंकिता को लापता हुए पूरे 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी खाली हाथ है। जहाँ पूरा देश महिला सुरक्षा को लेकर आक्रोशित है, गुस्से में है, वहीं पर दिल्ली पुलिस का खाली हाथ होना एक बड़े सवाल खड़े करता है। पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी के लिए।